और उस वक्त हमारा एक मैनिफेस्टो शहर के आवाम से वादा कमिटमेंट कि हम शहर का विकास, शहर का डेवलप और सभी मसलन सभी बिरादरी को लेकर चिंतित का हमने बाइकदे कमिटमेंट शहर के आवाम से किया और शहर की आवाम ने मुझको अपना नुमाइंदा बनाई और इन 4.5 सालों में मैंने एक दिन भी शहर की आवाम से छुट्टी नहीं लिया। तो मुझे मेरी फैमिली के साथ फला जगह टूर पे जाना है, फला जगह टूर पे जाना है तो मुझे छुट्टी दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि जहां भी रहा, बाहर गांव रहा तो वहां से भी काम किया, बाहर गांव गया तो शहर के हित में, शहर के विकास के लिए गया, शहर में रहा तो शहर के मसाइल भी हल करता रहा। ये मेरी पूरी पूरी कोशिश है और आज 4.5 साल पूरा हुआ। 4.5 साल में शहर की आवाम ने ये देख रही है अपनी आंखों से कि जो नुमाइंदा हमने 14 में चुना, जो उसने वादा किया था वो अपने वादे पे पूरा मुकम्मल तौर पर खरा उतर रहा है। और एक गंदी सियासत का आगाज 17 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू हुआ। एक ऐसा गंदा गठबंधन तैयार हुआ शहर में कि अगर हम ये गंदा गठबंधन तैयार नहीं होता उन लोगों की सोच तो एमएलए को हम विकास से डेवलप से कैसे रोक सकते। इसके लिए, इसको रोकने के लिए गठबंधन तैयार किया और वहां से लेकर आज तक, माफी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, खासतौर से कोई गलती होगी तो माफ करना मेरे बोलने में, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों मालेगांव शहर के उर्दू अखबारात के नुमाइंदे या उर्दू अखबारात आपके जरिए शहर के मेरे मुखालिफ लीडरान जबरदस्त तरीके से आपके अखबारात का इस्तेमाल कर रहे थे और मैं मानता हूं कि उस इस्तेमाल के अंदर आप लोग आ रहे हैं। माफी चाहता हूं, ये जुमला बोलने आप लोग बिल्कुल तौर से इस्तेमाल में आ रहे हो। ऐसा मुझे लगता है और इसके लिए आज मैंने मेरे दिल की बात जो मैंने देखा समझा वो आज मैं बोल रहा हूं। इसके लिए मैं बात बोल रहा हूं कि ठीक है, अखबार की जिम्मेदारी है वो भी निभाए, थोड़ी आजादी है, होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का इस्तेमाल करके बाकायदा शहर का विकास, शहर का डेवलप रोकने की पूरी पूरी कोशिश आज तक की जा रही है और उसका इस्तेमाल आप लोग हो रहे हैं। आपकी सोच अलग हो सकती है लेकिन जहां तक मेरी सोच है मुझे लगता है कि आपका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा सकता है। उसकी वजह है ठीक है, अगर सोशल मीडिया पे मेरे मुखालिफ लोग अगर कोई पोस्ट वायरल करते हैं, मेरे खिलाफ करते हैं तो उनका अपना सोच होगी, वो हिसाब से वो करते हैं, लेकिन आप लोग के अखबार के अंदर जब वो खबर छप जाती है
या वो लोग जो झूठ बोलते हैं वो खबर छप जाती है, तो शहर की आवाम और प्रशासन के ऊपर दबाव बनता है और शहर का विकास रुकता है, ऐसा मेरा जाति तौर पर मानना है। मेरी पार्टी के इससे कोई संबंध नहीं। मैं शुरुआती इसलिए किया कि 2014 के नुमाइंदे की एसएससी में शुरू किया थे, उसकी वजह है कि आप अगर संजीदगी से सोचेंगे अखबारात वाले और शहर के बाशऊर आवाम अगर संजीदगी से सोच ली कि अपोजिशन ने क्या किया और नुमाइंदे ने क्या किया, तो तुलना हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए, कॉमी टावर हम बना रहे थे, कहां कहां उन्होंने रुकावट शुरू की। कॉमी टावर 3 कुंडी गार्डन अंजुमन चौक में हम बना रहे थे और उस कॉमी टावर एक इस्लामी तर्ज का कॉमी टावर बनने वाला, वहां पर बाकायदा शहर की खवातीन बाजार के लिए जब आती है तो उसको जो रफा अजद लगती होगी उसके लिए हमारा नज्म होगा। सबसे पहले वो काम नहीं होने देने के लिए अपोजिशन ने कंप्लेन दी, राष्ट्रवादी के कारपोरेटर ने कंप्लेन दी और वो काम बाकायदा साजिश के तहत रुकवाया गया, बाकायदा कोर्ट तक वो मामला ले जाने की कोशिश की गई और रुक गया। ना वहां मेरा जाति घर नहीं बना रहा था, ना मेरा जाति गार्डन नहीं बन रहा, बल्कि शहर की एक बड़ा काम होने वहां पर जा रहा, उन्होंने रुकाने की कोशिश की। दूसरा काम कब्रस्तान का गेट जो नए तर्ज के ऊपर बाकायदा मंजूरी आई, वो पूरा बड़ा गेट होना चाहिए, सबे बारात की तकलीफ होती, उसको भी सियासी तौर पर उसका विरोध किया गया और बाकायदा वहां के ट्रस्टियान पे दबाव बनाया गया और शहर का माहौल खराब ना हो इसके लिए मैंने 2 कदम पीछे हटा, वहां पे भी ये लोग ने काम रोकने की कोशिश की। अखबारात के अंदर बहुत खबरें आती है, नुमानी लॉन्स का क्या हुआ, इसका क्या हुआ। नुमानी लॉन्स के अंदर भी वहां के स्थानीय कारपोरेटर की कंप्लेन की वजह से वो लॉन्स नहीं तैयार हुआ, ये भी अपोजिशन ने काम रोकने का काम किया। उसके बाद जहां आज हम बैठे, ये आप लोगों का है, इस शहर के लिए आप लोगों ने बनाया, कारपोरेशन से आप लोगों ने हासिल किया, यहां बैठकर उसको शर्म आना चाहिए जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और उर्दू मीडिया सेंटर के खिलाफ बोलते हैं। ये काम में भी रुकावट बनने की कोशिश की गई, आज तक वो ठेकेदार का बिल नहीं मिला। तुम्हारे से मेरा कमिटमेंट था उर्दू मीडिया सेंटर के जिम्मेदारान से कि अगर ये नीचे का बन जाएगा हम ऊपर का बना के क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन जहां पर रुकावट पैदा हो गई तो ऊपर का बना ही नहीं, ठेकेदार का बिल नहीं मिला, ये रुकावट की गई। हज कमेटी जो लोग विरोध करते हैं, हज कमेटी में बैठ के प्रोग्राम करते, तकरीर करते, उसका मजा लेते, उम्रे की क्लास वहां होती, हाजियों की क्लास होती, उसके अंदर काम रोकने की कोशिश की गई, ऑब्जेक्शन लिया गया। ईदगाह के वॉल कंपाउंड महादे मिल्लत खलील हाई स्कूल इमाम अहमद रजा, ये वॉल कंपाउंड के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगाए गए, आज तक वो ट्रस्टियान का पैसा उसके अंदर अटका है। मैं ठेकेदार नहीं, हमारा कोई ठेकेदार नहीं था, ट्रस्टियान खुद उन्होंने अपनी तामीर किया, सिर्फ हमने उनको मंजूर करके कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। क्या वहां पर क्या हिंदू भाई आगे नमाज पढ़ने वाले थे, क्या हिंदू भाई वहां पर पूजा करने वाले थे, वो रुकावट डालने का काम किया गया।
चाहे शहर की बाकी ईदगाह जो है उनमें भी रुकावट बदलने की कोशिश की गई। साबिक एमएलए शहर के राष्ट्रवादी के सदर फायरेस्ट के अंदर उनका जाकर मालूम हुआ, फायरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, हिल स्टेशन के ऊपर काम रुकवाने की कोशिश की गई। उनके हवारी मवारी जाके वहां पर काम रोकने के लिए बार बार जाते हैं, वो मेरे लिए हिल स्टेशन नहीं बन रहा, कांग्रेस के लिए नहीं बन रहा, इस शहर की खवातीन बच्चों के लिए, शहर के आवाम के लिए बनाया जा रहा है, वो रुकवाने की कोशिश की गई, उनसे वहां पे कामयाब नहीं हुए। उर्दू घर का रुकावट बनने जा रही है। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता कि अखबारात के अंदर खबर छपती है उर्दू घर पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत और अच्छा उर्दू घर बन रहा मालेगांव में। वहां का मकसद हमारा क्या है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लेने वाला हूं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आखिरी तक रहने वाला है, उनका नुमाइंदा वहां बैठेगा, वहां पर यूपीएससी एमपीएससी बाकी क्लासेस वहां बच्चों की चलेगी, ट्यूशन क्लासेस आला तालीम की, वहां पर किताबें रहेगी, वहां पर लेक्चर होंगे बच्चों के लिए एजुकेशन के, ऑडिटोरियम बनेगा, एसी हॉल होगा, रिसर्च सेंटर बनेगा, लग्जरीज पूरे नासिक सॉरी मालेगांव शहर के अंदर गुलिया के अंदर ऐसा हॉल नहीं हो बनने जा रहा, लग्जरी चेयर उसके अंदर रहेगी। आज वहां पर रुकावट करने की बात की जा रही है, अखबार के अंदर खबर छप जा रही है, ये रुकावट बनने का काम किया जा रहा है। स्टेडियम का काम चल रहा क्रिकेट का, वहां तक कंप्लेन की गई कि इसको रोको, क्या ऐसा है ये वैसा है, इसको रोकने का काम किया जा रहा। फ्लाईओवर ब्रिज के अंदर गाड़ी करने के लिए प्लानिंग की गई कि ये काम किसी तरीके से रुक जाए। ये तमाम ही चीजें आप देखो और साथ साथ में अभी कोई कार्पोरेटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3-4 रोज पहले, 5 करोड़ रुपए हुकूमत के 100% फंड पे मेरे लेटर के ऊपर मैंने विशेष मंजूरी शहर के अंदर लाई, बाकायदा चोरी छुपे और लड़न नहीं करे हम, आप ही लोगों के अखबार के अंदर इश्तेहार छपे, अगर आप लोगों की याददाश्त कमजोर होगी तो इश्तेहार निकाल के पढ़ो, बाकायदा कहां से कहां तक रोड बनेगी, कौन से कहां तक बनेगी, कहां से कहां तक बनेगी, उसके अंदर डिटेल दिया गया है। डिजिटल बोर्ड हमने बाकायदा वहां पर लगाए और वो एक काम छोड़ दो, सिर्फ शेख रशीद साहब के वार्ड में है मछली नगर सब स्टेशन के पास का, तो तमाम ही 12 काम अपोजिशन के कार्पोरेटर जहां पर है वहां पर मैंने काम मंजूरी लाया। हमने ये नहीं देखा कि किसके वार्ड में, शहर के अंदर वो कागजी काम होना चाहिए, शहर की जरूरत है, शहर का ट्रैफिक का डिवाइडेशन वहां पर होगा, उसको रोकने के काम किया है। ये सभी चीजें अगर आप संदिग्ध से शहर के आवाम सोचे तो ये शहर के अंदर इन्होंने सिर्फ तामीरी काम इन्होंने रोकने का काम किया और ये शहर का सबसे बड़ा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ताजू शरिया लाइब्रेरी सूफिया गार्डन के पास नया इस्लामपुरी बना रहा था, वहां पर इतराज कर दिया गया। मच्छी बाजार में ताजू शरिया गेट बनाने की बात है, वहां उसका इतराज कर दिया गया। अतार जमात थाना काले खेत के अंदर मदीना हॉस्टल के बाजू में वो उसका काम आज तक पेंडिंग है, लेकिन उसको ट्रांसफर लेना पड़ रहा है मजबूरी में, वहां इनके लोगों ने जाकर इनके कार्पोरेटर जाकर काम रोकवा दिए, इतराज किए। ये इतने सारी फहरिस्त, इसलिए मैं आज पेन आरोप दिया आपको
कि आप लोग देखे कबड्डी स्टेडियम, कबड्डी स्टेडियम अमन चौक के अंदर बन रहा था, किसने काम रुकवाया? इन्हीं के कारपोरेटरों ने काम रुकवाया। शहर के अंदर इतने बड़े खिलाड़ी थे, तो ये तमाम ही चीजें, इतने काम वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रुकावट डालते आ रहे, शहर का नुकसान कर रहे, शहर का डोलप रोकने की कोशिश कर रहे, शहर का बजट को इसको इश्ते लाने दिशा भूल करके पूरी तरीके से शहर का तामीरी तरक्की तालीमी सामाजिक दीनी ये सभी नुकसान करते जा रहे हैं। ताज्जुब है शहर की आवाम खामोश है। आप लोग को वो दो जुमला बोल देते, आप लोग उठा के वो लिख देते, माजरत के साथ बोल रहा हूं। अगर उन्होंने कोई तहकीक होना चाहिए, तहकीक, जब तक तुम तहकीक नहीं करोगे, मेरा बोलना है अगर शेख आसिफ गुनेगार है फांसी पे लटका दो, शेख आसिफ गलत है उसको जेल के अंदर डाल दो, शेख आसिफ गलत करे तो FIR नोन करो। लेकिन जब शेख आसिफ शहर का तामीरी काम कर रहा है, शहर का तामीरी काम होने दो, मेरे जाति दुश्मनी निकाल लेना, इलेक्शन आया मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं दिन की बात बोल दे रहा हूं। तहकीक होना चाहिए कि इतना ढेर काम तुमने रोका, इतना ज्यादा तुम काम रोक रहे हो शहर का, इतना शहर का तुम विकास कर रहे हो, और उसके बाद वैसी की वैसी खबर हमारे अखबार के अंदर हमको पढ़ने की मिलती है। मैं उन पार्टियों की जो इस तरीके की काम रोकने का काम कर रहे, विकास रोकने का काम कर रहे, मैं उनकी मुजम्मत करता हूं। आज शहजाद अख्तर को अगर मुझसे कोई दिल दुखाए, या शहजाद अख्तर ने कांग्रेस से टिकट मांगा हमने नहीं दिया मिसाल के तौर पर, तो शहजाद ने इलेक्शन में गिरा देना मुझे। लेकिन शहजाद अगर अपने हित के लिए शहर को बुरा करेंगे, उसके अखबार के अंदर कुछ खबर छापेगा, शहजाद अख्तर भी गलत कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जाति मुफाद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही, शहर के विकास और शहर के दौलत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। ये सभी चीजें आप लोगों के सामने मैं सिर्फ रखना चाह रहा हूं कि मैं एक एक बात रखूं कि ये एक बाजू की है ना, ये बाजू भी देखना चाहिए कि काम क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा। सबसे अच्छा क्वालिटी का काम सर्वे नंबर 94 की हॉस्पिटल बन रहा, वहां जाके बोलते ये ऐसा बन रहा वैसा बन रहा। अगर वो इलाके को कितना बड़ा कवर होगा, सिर्फ इसके लिए कि अरुण अहमद अंसारी साहब का नाम किया गया, उसके पीछे का राज दोनों की क्यों ऐसा तकरार की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि अरुण अहमद अंसारी का हमने नाम किया। कई लोग चाहते थे दूसरे लोगों का नाम हो, इसके लिए सिर्फ उसको रुकाना। गरीब मरे तो मरे, वो कहीं भी जाए हॉस्पिटल में, वो अपने जेवर बेचे वो मां बाप, इसके लिए कौन सा तरीका है फिर रुकावट डालने का काम। ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि शहर की आवाम के सामने आए, शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। गुमराही की तरफ शहर जा रहा है और ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखो दादागिरी, मिसाल के तौर पर शहजाद ने अगर लिख दिया पेपर के अंदर मैदान साबत में शेख आसिफ की दादागिरी, अगर एक नोटिस दूंगा शहजाद अख्तर को, शहजाद ने साबित करना कि दादागिरी क्या है। मेरे ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है शेख आसिफ के ऊपर, एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, तो अखबार का केस है तो सियासी जलसे का केस है। लेकिन बिला वजह अगर इस तरीके का अपोजिशन इल्जाम लगा रही है, तो ये शहर को नुकसान की तरफ गुमराही की तरफ ले जाने वाला काम है। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई आवाम के सामने आना चाहिए, ठीक है, इसके मेरी दुश्मनी है तो निकाल लेना, इलेक्शन आएगा तो
बड़ा मैदान सामने रहने वाला है, वो लोग अपोजिशन में लगाना है स्टेज, मैं लगाऊंगा, हारे देंगे, हारेंगे जीतेंगे दो ही तो काम होने वाले हैं यहाँ, सर क्या होने वाला है, हार और जीत होती है, हारे मरद मार्ग है मरद, कोई बात रहती है, आएंगे स्टेज लगाना, विकास गोलक के नाम पे इलेक्शन लड़ो, शहर की आवाम अच्छे फैसले करने वाली है, संजीदा है, बहुत समझती है सबको, अच्छा और बुरा सब समझती है, सुबह ध्यान दो। दूसरी अहम बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं किसी की सफाई उपाय देने नहीं बैठा, और मैं ऐसे फालतू लोगों की कोई सफाई देने मेरा बेटा मूड में नहीं रहता, सिर्फ आपकी मालूमात आपकी जानकारी के अंदर सिर्फ सच्चाई आ जाए। अब एक बात मुझे बताओ, ये अय्यूब खान मोहम्मद अय्यूब खलील, मोहम्मद अय्यूब खान मजीद खान, ये रहने वाला बंदा है, ये सर्वे नंबर 65 का है ना। अब ऐसा है, ये अय्यूब खान है, मैंने इनको आए, मैंने बुलाया इनको, क्या तुम आओ यार तुम्हारे पेपर लेगा बैठे, खुलासा अच्छा होगा तो लोग मुझे समझते हैं, खड़ा कर दिया। हाँ, ये मैंने खड़ा किया, पूरे लाख के मेला है, ये मेरा समझते हैं, ये भाई का कॉर्पोरेशन ने उनको करारनामा दिया है, उनसे जब मैंने पेपर मंगाए तो करारनामा करके उनको जगह दावे के दिए, करारनामा। अरे बेवकूफ कमिश्नर है यहाँ, कौन सी जगह, वो अधिकारी भी बेवकूफ है, जो शॉपिंग इन्होंने तोड़े ना उसके ऊपर सीनियर डिवीजन का स्टे या ऑर्डर पड़ लो किसके ऊपर जाता है, इन्होंने मुझे बताया स्टे उसके बाद तोड़ दिया गया। अरे उन्होंने गलत किया, कोर्ट फैसला कर देंगे, वो कमिश्नर को पता नहीं था, बोले बाद में लोग जाके मिले, मैंने उनसे पूछा अयूब भाई क्या, बोले जाके मिले, बोले यार मुझे मालूम था बताना होना था, माला माइंड नहीं होता था अपोजिशन वाले वाले मैं करूं डाल, अरे तरीका है। अब मुझे बताओ कि जो खबर छप गई वो कोर्ट ऑफ कंडम ही होंगे ना, कमिश्नर को दखल करने वाले वो लोग, ये सच्चाई है, ये ऑर्डर है, ये एग्रीमेंट है, ये पैसा भरने की पॉलिसी है, तो सो रहे थे क्या जो इनको देने के टाइम अधिकारी सो रहे थे क्या, ये सच्चाई। कल से मेरे खिलाफ में व्हाट्सएप पे चल रहा है, आमदार के लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, मौलाना अय्यूब वाला मामला मैं पहले एकदम साफ कर दूं, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासी मसला नहीं है, एकदम साफ मैं कहूं। मुझे बताओ शहर के आलिम मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, कि शहर के आलिम दीन मुफ्ती है, जमीतुल उलमा के सदर है, भाई कायदा मैंने अभी पेपर मंगाया, अभी आप लोग अंदर बैठे तो बाहरी पेपर आए, मौलाना जैद से मैंने पेपर मंगाया, बोले बताओ तो भैया मसले तुम्हारे। अरे खरपट्टी वो जो जगह पे बन रही मिल्ली सिलाई मशीन मिल्ली मदरसे के नाम से है, ये लो पेपर देखने देख लो, बाय कायदा कारपोरेशन ने लीक कर दे दी कि ये उन्हीं 2005 से रिविजन पैसा पे वही अदा कर रहे, ये लीक कर दे दी, खरपट्टी आज तक उन्होंने भरे उनके नाम पर है, उसके बाद ये सब चीज है, इनका कब्जा मौलाना का, तो पेपर ऑन पेपर हो गया, सब क्लियर हो गया, ये लड़ाई किसने लगाया, असल सवाल ये किसने लगाया लड़ाई, अगर शेख आसिफ सियासी है ना, अगर मैं किसी मदरसे का बोर्ड जाके उतार लूंगा गांव में हंगामा आग लग जाएगी, शेख आसिफ ने मदरसे का बोर्ड उतारा, मदरसे का बोर्ड उतारा, ये झगड़ा लगाने वाले मुफ्ती इस्माइल, इस्माइल साहब ने अपने लेटर के ऊपर एमएलए फंड दिया था 2013 में, वो लेटर है मेरे पास, सर्वे नंबर 156 उस जगह के ऊपर भाई कहता उन्होंने काम मंजूर करवाया था। अरे जब वो मिल्ली सिलाई मदरसा है, सिलाई क्लास है, मदरसा है, तजवीर कुरान की साख चलती, मिल्ली सिलाई क्लास चलती, कब्जा है, पेपर है, तो तुमने ये जगह तुमने वहां पे दिए, इसलिए झगड़ा लगा ली कि मौलाना अय्यूब कासमी साहब उनके खिलाफ असेंबली में थे, कारपोरेशन उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई चलो झगड़ा लगा दो, ये झगड़ा लगाने की जड़ मुफ्ती इस्माइल पास है, ये पेपर देख लो, झगड़ा लगा के कल वहां नामा हो गया, उसके अंदर बोले शेख आसिम, शेख आसिम क्या है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा सियासी झगड़ा रहेगा मैं निपट लूंगा, मेरे बटे में डालेगा तो मैं उसके बटे में डाल दूंगा,
मेरा क्या जाने वाला है, मैं कहा शहर का रुकेगा, रोको वो वही अच्छा है, शहर को यही पसंद है। ओके, शहर के संजीदा लोगों ने बैठ कर बोल देना शेख आशीष तेरा विकास होगा, चलेगा नहीं, जैसा वो पाखंड कर रहे तू भी पाखंड कर, वैसा शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीजें, ये सब पेपर आप देख सकते हैं आगे वापस, मैं देखने के लिए तैयार हूं। तो बोलने का मतलब यह है कि सिर्फ शहर को गुमराही की तरफ, शहर को गलत रास्ते पे ले जाना ये चल रहा है, शहर का विकास रोकना, शहर का डेवलप रोकना, यही ये शहर के अंदर हो रहा है। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि शेख आसिफ गलत कर रहे हो, शेख आसिफ को रोको, दूसरे कोई पार्टी के लीडर गलत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो उनको रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की। आप ये जमुई मोटो के अंदर आप एक किरदार आपका है, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। और झूठ नहीं मैं बोलता हूं, जो सच बात है सच बोलना ये मेरी आदत में से है, झूठ बसात बोलना मेरी आदत में से नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सच्चाई आवाम तक आए, शहर का विकास होने दो, शहर का डेवलप होने दो, शहर को तरक्की करने दो, शहर अच्छा तरक्की की राह पे जा रहा है। और जो गवर्नमेंट से फंड लाना, पीछे गवर्नमेंट से फंड पैसा लाना, वो सिर्फ मेरी सलाहियत का नतीजा है, सिर्फ मेरी सलाहियत का नतीजा है, क्योंकि मुझे समझता है कि कौन सी बैलेंस शीट कैसे तैयार करना, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एग्री हो जाएगी फंड देने के लिए, मुझे समझता है कौन सा फंड कैसे आएगा, कौन सा पेपर कहां पे चलाना पड़ता है, कैसे उसका एस्टीमेट बनाना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है, कैसे सेरे डोरे लेना पड़ता है, फेवर में रिपोर्ट लेना पड़ता है, टेक्निकल सेंसर कैसे लेना पड़ता है, सब मुझे समझता है। और ये मैं वैसा फॉलोअप करता हूं और उसका नतीजा है कि शहर के अंदर विकास से डोला हो रहा है। मोहन भागवत को भी वजीर आला की कुर्सी बैठा दी, उससे भी काम ले जाऊंगा, कानून समझता है, कानून समझता है मुझे। अगर आपका प्रपोजल कंप्लीट है तो कोई वक्त की सरकार तुम्हारा काम रोक नहीं सकती, सिर्फ टाल सकती है, देरी कर सकती है, लेकिन रद्द नहीं कर सकती। और मुझे समझता और मैं काम कर रहा हूं, कैसे ले लेना शहर के अंदर, मैंने मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक तालुके में एक आईटीआई कॉलेज गवर्नमेंट देती है, और ये मेरी सलाहियत का नतीजा है कि दो आईटीआई कॉलेज मालेगांव तालुके के अंदर आए, एक कैंपो में चल रही वो भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज, और माइनॉरिटी की जो सेंक्शन हुई वो भी ये शहर के अंदर, जो उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है, ये मैंने मिसाल पेश कर दिया शहर के सामने। कैसे मंजूरी लाना, आईएएस ऑफिसरों के सामने बैठ कर कैसे बात करना, कैसे कानूनी बात करना, इससे मुझे समझता है। और उस हिसाब से अल्लाह का करम है कि ये सब काम मैं अंजाम दे रहा हूं और मैं करता रहूंगा। कि जिस दिन शहर के संजीदा लोग इफ्राद मुझे बोल देंगे कि शहर को विकास की जरूरत नहीं है, जरूर मैं सोचूंगा कि क्या करना चाहिए, कि शहर के अंदर कैसे सियासत करना चाहिए। लेकिन आप लोग सिर्फ सच्चाई बताए, शेख आसिफ गलत उसको गलत बताए, अच्छा है अच्छा बताए, मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा गलत बताओ, अच्छा करो तो अच्छा बताओ, दूसरे लीडर अच्छा करे तो अच्छा बताओ, वो गलत करे तो गलत बताओ, लेकिन तहकीक करो। यही आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है। और मुझसे जो भी बोला गया होगा, किसी को खराब लगा, शहजाद साहब को माफी चाहता हूं, और लोगों को, आप लोग को अगर कुछ सवाल जवाब करना है तो आप